देवथर को अलग जिला बनाए जाने की मांग भी उठ रही है, कितना आपका सपोर्ट है? ये मीडिया के लोग जो है हमारे ना, ये सब कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आपके ही पार्टी के कई ऐसे क्षेत्र के नेता हैं जो बगावत पे उतर आए हैं, कहीं ना कहीं उनमें असंतोष दिख रहा है, क्या नहीं लगता कि भीतरघात हो सकता है? देवथर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर हमारे साथ मौजूद है। साहब आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भैया, बहुत बहुत। क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस ने आपको दूसरा मौका दिया है, तीसरा दिया है। मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं आम आदमी के, किसान मजदूर और नौजवान, ये जो मुद्दे हैं भाजपा के 18.5 साल कुशासन को सब लोगों ने देख लिया है। चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वो रोजगार का मसला हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने तो उसके पहले जो लेबर लॉ में व्यवस्था थी वो थी 8 घंटे ड्यूटी आवर्स था, और बनते ही प्रधानमंत्री इतने बड़े नुमाइंद मतलब शुभचिंतक हैं देश के नौजवानों के, बेरोजगारों के, कि ड्यूटी आवर्स उन्होंने कर दिया 14 घंटे का। और क्या संशोधन किया उसमें कि लेबर यदि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन करेगा तो सीधे गैर जमानती मुकदमा कायम होगा उसके ऊपर। ये हालात हैं देश के। इसको, इन तमाम बातों को इस देश का नौजवान, देश का युवा समझ चुका है, जान चुका है इन 10 सालों में और इन 18.5 सालों में। तो अब जनता लड़ रही चुनाव, हम तो प्रतीक मात्र है प्रत्याशी के रूप में, पर वास्तव में चुनाव जनता लड़ रही है। देवथर में क्या लगता है, देवथर में मूलभूत समस्याएं क्या हैं और क्या बेहतर हो सकता है? देवथर की उपेक्षा बहुत ज़्यादा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में कहा था और पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हम जो हमारे भूमिहीन किसान हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, उनको सबको हम 2 एकड़ जमीन का पट्टा देंगे। जरा पूछिए कि आप, उन्होंने दिया कि नहीं दिया? उन्होंने कहा था, ड्रोन चलवाया ऊपर, चूना छिड़कवाया, सीमाएं निर्धारित की गई, पट्टा किसी को नहीं मिला। मजेदार बात ये, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, ये सब 6-6 महीने से बंद है, साल भर से। संबल का पैसा 1 साल से बंद है। और लाडली बहना क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं पहले जवाब देता हूँ आपको। लाडली बहना के नाम पर जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो क्राइटेरिया थी उसमें लगभग 2 करोड़ 32 लाख महिलाओं को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। और उन्हीं परिवार के लोगों का पेंशन बंद कर दी गई, उन्हीं परिवार के लोगों का प्रधानमंत्री आवास से किस्तें बंद कर दी गई। ये एक एक आदमी जान रहा है, और जो अनपढ़ है ना गाँव का हमारा, वो बहुत समझदार है। जो कल्पना कांग्रेस पार्टी के हमारे शहीदों ने किया था आज़ादी के आंदोलन में, जो लोग शहीद हुए, अंग्रेजों ने कहा कि इतना अनपढ़ देश है, कैसे लोग अपना नेता चुनेंगे यहाँ पर। तो उस ज़माने में हमारे नेताओं ने झोपड़ी चुनाव चिन्ह रखा, 2 बल की जोड़ी रखा, और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हुआ। तो जनता बड़ी समझदार हमारे देश की, अच्छा निर्णय लेगी, ऐसा मुझे महसूस करता हूं। देवथर को अलग जिला बनाए जाने की मांग भी उठ रही है, कितना आपका सपोर्ट है? बिल्कुल जिला बनेगा देवथर, हम लोग विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने कार्यक्रम में देवथर में कहा है कि 2 तहसील का जिला यदि बन सकता, भाजपा बना सकती है और बना है, देवथर क्यों नहीं बन सकता? देवथर का हक तो मऊगंज से पहले का था, मऊगंज का जिला बना, मैं बधाई देता हूँ मऊगंज साथियों को, लेकिन देवथर को भी जिला बनना चाहिए। भौगोलिक रूप से वास्तव में देवथर ही जिला बनने लायक है, और आगे हमारा ये बड़ा मुद्दा हुआ देवथर को जिला बनाने के लिए। आप सिद्धार्थ तिवारी से कैसे फाइट कर पाएंगे? सिद्धार्थ तिवारी अब नहीं रह गए, वो जब कांग्रेस में थे तब वो कुछ थे, अब वो जो सिंधिया जी का जो हाल है ना, महाराष्ट्र से भाई साहब हो गए हैं ना, तो कुछ दिन बाद ये भी उनकी भी स्थिति हो जाएगी, वो परिणाम बताएगा आपको। सिद्धार्थ तिवारी जी जिस विचारधारा को उन्होंने यू टर्न किया है ना, तो उस विचारधारा को यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है, ये समाजवादियों को गढ़ रहा है। ये श्रद्धेय तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी, श्रद्धेय सुंदरलाल तिवारी जी का जो संघर्ष रहा है, कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने काली लगाने का काम किया है। और रही बात देवथर की, तो देवथर में तो लोगों ने कह दिया है कि आप नहीं चलोगे, आप जाओ, आप जाके पता करो, भाजपा के संगठन के लोगों की बैठकें वहाँ नहीं हो पा रही हैं, पूरा संगठन के खिलाफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पता कर लो जानकारी को, आप कैमरा लेके वहाँ चलो, मालूम चल जाएगा आपको सारी बातें। तो भाजपा कहीं नहीं है वहाँ सिर्फ त्योथर की जनता है और त्योथर का विकास मुद्दा है। त्योथर जिसे ब्राह्मण बहुल माना जाता है, कहा जाता है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ये मीडिया के लोग, सुनिए, ये मीडिया के लोग जो है हमारे ना, ये सब कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ये जानबूझ के समाज के अंदर सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। मेरा आरोप है ये इंसानियत बाहुल जिला है। यहाँ पर समाजवादी आंदोलन के जो प्रोधा थे, स्वर्गीय अमर प्रसाद शास्त्री जी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी, चंद्र प्रताप तिवारी जी, और तमाम लोग विभिन्न एक नाम मुझे भूल रहा है, बहुत बड़े नेता, ईमानदार नेता थे, सिंह तिवारी उनका नाम थोड़ा याद दिलवाइए। तो ऐसे लोग थे, नहीं अच्छे वो भी लोग थे। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इस जिले का युवा, इस प्रदेश का युवा, उसका एक मुद्दा है विकास,
और सिर्फ विकास। अब कुर्मी बाहुल, ब्राह्मण बाहुल, ये सब चीज़ें गौड़ हो रही हैं। आपके ही पार्टी के कई ऐसे क्षेत्र के नेता हैं जो बगावत पे उतर आए हैं, कहीं ना कहीं उनमें असंतोष दिख रहा है, क्या नहीं लगता कि भीतरघात हो सकता है? आप नाम बताओ दो चार का। एक इतना बड़ा तिवारी जी का घराना था, कांग्रेसी विचारधारा, कांग्रेसी मानसिकता उनके उस निर्णय पर भारी है। तिवारी जी का खानदान ना कोई एक व्यक्ति पार्टी छोड़ा, मुझे उसका नाम बता दो आप। आप इस बात को लोगों को बताइए कि उस घराने से एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति उस परिवार का कोई छोड़ा कांग्रेस पर, तो मुझे बताइए आप। ये तो व्यर्थ की बातें बंधु, आप सिर्फ विकास की बात करिए और विकास की गंगा बहाइए, सरकार कांग्रेस पार्टी के लाइए। विजन क्या है आपका? विजन हमारा जो मैंने बताया आपसे कि हमारे त्योंथर का जो विकास का जो हमारा सबसे बड़ा मॉडल हमने दिमाग में रखा है कि त्योंथर के किसानों को जो टमस से पानी बहता है बाण सागर का, वो एक एक बूंद किसान के अंतिम छोर तक पहुँचे खेतों में। एक बहुत बढ़िया। दूसरी बात, वहाँ जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, 100 बिस्तर का अस्पताल जो हमारा बहुत दिन से लंबित है, हमारे पूज्य पिता ने मंजूर कराया था आज से 25 साल पहले, वो आज तक नहीं बना है, उसको हम 200 बिस्तर का बनाएंगे। और त्योंथर भर नहीं, हमारे टारगेट में हमारा जवाब भी होगा, हमारा त्योंथर भी होगा, और आपको जानने को खुशी होगी कि दोनों विधानसभा सीटें हम जीत रहे हैं, सिरमौर भी और त्योंथर भी। तो ये थे हमारे साथ त्योंथर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर। कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसी तरह की खबरें देखते रहिए विंड फर्स्ट के साथ।